एवरीवन, आज हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन कोलिन सोनिया के बारे में बात करने वाले हैं। इसका यूज हम पाइल्स के लिए कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों में पोर्टल वेन में अगर कंजेशन हो। पोर्टल वेन हमारी कहाँ से निकलती है? लीवर से। तो अगर पोर्टल वेन में कंजेशन हो, उसकी वजह से अगर हीमेराइट्स हो रहा है, हीमेराइट्स कैसे है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है, ऐसा लगता है रेक्टम में जैसे स्टिक हो, जैसे लकड़ी रखा हुआ, या तो धूल रखी हुई है या तो कंकड़ रखी हुई है, उसके जैसे बहुत ज्यादा वहां पे चुभ रहा है, वैसा अगर दर्द हो रहा है किसी पर्सन में, तब आप कोलिन सोनिया को दे सकते हैं। पाइल्स के लिए आप एस्कुलस से भी कंपेयर कर सकते हैं। एस्कुलस में हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा स्मॉल स्टिक रखे हुए, छोटी छोटी लकड़ियां रखी हुई हैं। उसके बाद वहां का जो पाइल्स होता है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है, मीन्स क्या हो गया, ब्लाइंड पाइल्स होता है, मतलब ब्लड जो है बाहर नहीं आता है। उसके बाद बहुत ज्यादा बर्निंग देखने को मिलती है, इचिंग देखने को मिलती हो, अगर ऐसा हो पाइल्स तो आप एस्कुलस के बारे में सोचेंगे। एस्कुलस की एक खासियत है कि वहां पे पर्पल कलर का पाइल्स होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पाइल्स के लिए कंपेयर कर लेते हैं हमारी इग्नेशिया। इग्नेशिया हमारा में क्या होता है, जैसे ही पर्सन स्टूल पास आउट करता है तो पाइल्स बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट होता है। अगर किसी पर्सन में स्टूल के साथ पाइल्स बाहर निकलता हो तो आप इग्नेशिया हमारा के बारे में सोच सकते हैं। अब हम यहाँ पे म्यूरेटिक एसिड से कंपेयर कर लेते हैं। अगर किसी पर्सन में अगर वो यूरिन पास आउट कर रहा है, उसके साथ अपना जो पाइल्स है वो प्रोट्रूड हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो आप म्यूरेटिक एसिड के बारे में सोचेंगे। शाम के समय में कंप्लेन बढ़ रही है उसकी, जो भी है, बर्निंग है, इचिंग है, ब्लीडिंग है, तो आप म्यूरेटिक एसिड 30 दे सकते हैं। यहाँ पे आप सल्फर से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है उसके पाइल्स को ऑइंटमेंट के थ्रू ठीक किया गया, मतलब बाहरी क्रीम लगा के उसके पाइल्स को दबाया गया है लेकिन वो क्योर नहीं हुआ है, तो आप सल्फर का यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो हम कोलिन सोनिया की बात कर रहे हैं, तो इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि अगर किसी वुमेन में लेटर प्रेगनेंसी, मतलब कुछ समय हो चुका है, उसमें पेल्विक रीजन में कंजेशन हो गया है, उसकी वजह से अगर पाइल्स देखने को मिल रहा है तो भी आप कोलिन सोनिया को सोच सकते हैं। यहाँ पे आप 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, तीन तीन गोली तीन बार, आगे पीछे 15 मिनट, कुछ भी नहीं लेना है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। अगर पेल्विक रीजन में कंजेशन की वजह से डिसमिनोरिया देखने को मिल रहा हो, अगर कोई वुमेन है उसको मेंसेस के समय बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जब वो सोनोग्राफी कराती है तो रीजन पता चलता है कि उसका पेल्विक एरिया जो है बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, जो नॉर्मल साइज है उससे छोटा है, उसकी वजह से, तो भी आप कोलिन सोनिया का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है, तीन तीन गोली तीन बार लेंगे, आपको डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल पेन में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में रिलीफ देखने को मिलेगा। सिम्टम की बात करते हैं, वुमेन में प्रूराइटिस देखने को मिलता है। प्रूराइटिस मतलब हमारा जो वेजीना एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग देखने को मिलती है, उसकी वजह से वुमेन अगर सो नहीं पा रही हो तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया देखने को मिलता है, मीन्स क्या हो गया, कभी पर्सन को टाइट स्टूल होगा तो कभी एकदम लूज स्टूल होगा, ऐसा ही अल्टरनेट में बना हुआ रहता है। इसके साथ पर्सन में जो स्टूल पास आउट होता है वो बहुत ज्यादा स्लगिश होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे पास होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। उसके साथ बहुत ज्यादा फ्लैटुलेंस देखने को मिलेगा, मतलब पर्सन में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, गैस फॉर्म होता है, उसके साथ पर्सन गैस भी बहुत ज्यादा पास आउट करता है, लेकिन यहाँ पे रिलीफ नहीं होता है, तब भी आप कोलिन सोनिया के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, ड्रॉप्सी देखने को मिलती है कार्डियक डिसीज के साथ, और कई बार ऐसा होता है कि हार्ट के सिम्टम डिसअपेयर होते हैं तो हीमेरॉइड्स हो जाता है, मतलब पाइल्स हो जाता है, एंड पाइल्स के सिम्टम डिसअपेयर होते हैं तो हार्ट की डिसीज हो जाती है। अगर किसी पर्सन में हार्ट वीक हो लेकिन बहुत ज्यादा पालपेट कर रहा हो, बहुत उसके एक्शन फास्ट हो, तब भी आप कोलिन सोनिया के बारे में सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हार्ट के लिए जैसे हमारी कैक्टस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, डिजिटेलिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप मेडिसिन देते हैं किसी पर्सन को कैक्टस या डिजिटेलिस टोटैलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे, लेकिन वहां पे अगर आपको क्योर देखने को नहीं मिलता है, तब आप नेक्स्ट मेडिसिन कोलिन सोनिया का यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 30 पोटेंसी में यूज करेंगे आप, 15 मिनट आगे पीछे कुछ भी नहीं लेंगे, तीन तीन गोली तीन बार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन, जैसा हमने बात किया था। अगर किसी पर्सन को काफी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, आपने टोटैलिटी ऑफ सिम्टम के अकॉर्डिंग नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब की लेकिन नक्स वोमिका से उसको रिलीफ नहीं मिला, तब भी आप कोलिन सोनिया का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन में क्योर देखने को मिलेगा। अब हम इसके एग्रावेशन की बात करते हैं, तो हल्का सा भी
अगर पर्सन वर्कआउट करता है या मेंटल एक्साइटमेंट होती है या स्लाइटेस्ट इमोशंस होते हैं, मतलब हल्का से भी इमोशंस होता है, जैसे मैं अपनी दोस्त से मिली तो वो एक इमोशन है मेरा, या मेरी एक्साइटमेंट है, अगर ऐसा कुछ होता है उससे आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो आप कोलिनसोनिया का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 15 मिनट आगे पीछे कुछ भी नहीं लेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो यूजफुल होगी आपके लिए एंड आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया है, आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है डॉक्टर.प्रेमवती यादव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।